गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सारे घर पे आई होप वेल एंड गुड होगे। और जो भी आपको स्टडी करवाई जा रही है उसको रेगुलर आप कर रहे होगे। इसमें आप बच्चों का ही आपका ही बेनिफिट है बेटा। जब आप स्कूल में आओगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में, और आपके अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं तो आप इजीली उसमें परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, आपके पास देखो इतना टाइम है आप घर पे, थोड़ा बहुत अगर घर पे आप काम भी करते हो, मम्मी पापा की हेल्प करवाते हो, तो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है। तो आप अपना जो कंटिन्यू है, जो वर्क अपना कंटिन्यू रखिए और इसको रिवाइज भी करते रहिए, साथ में जो जो आपको चीज़ें देती हैं लर्न और रिवाइज करते रहिए इनको। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 कर लिया था, अब हम यूनिट 1 का 5 चैप्टर कर रहे हैं, बेसिक राइटिंग स्किल्स। इसके साथ ही आपका ये यूनिट 1 कम्प्लीट हो जाएगा। राइटिंग क्या होता है? कहते हैं राइटिंग इज रियली अ मीनिंगफुल एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वी हैव टू गेट एंड कैप्चर पीपल्स अटेंशन। कहते हैं राइटिंग एक बहुत ही मीनिंगफुल थिंग है हमारे पास, जो बेस्ट टूल है। इसके साथ क्या होता है, हम जो पीपल की अटेंशन है अच्छे से गेट कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। राइटिंग स्किल्स में देखो क्या है, बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं एक दूसरे के साथ, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो उसके आइडियाज़ को शेयर करने के लिए अगर हम रिटर्न में कुछ देते हैं, तो उसकी क्लैरिटी के लिए हमारी जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। तो कहते हैं राइटिंग मेक इट पॉसिबल टू शेयर अवर कम्युनिकेशन नॉट ओनली विद अवर कंटेम्प्रेरीज बट ऑल्सो विद फ्यूचर जनरेशन। कंटेम्प्रेरीज कौन होते हैं बेटा? जो हमारी एज के होते हैं, कोलीग्स होते हैं। बट कहते हैं हमारे कोलीग्स के साथ ही हमें इजीली कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं बनाती है, फ्यूचर जनरेशन को भी हम अच्छे से समझा पाते हैं अगर हमारी राइटिंग स्किल अच्छी है तो। कहते हैं लर्निंग टू राइट वेल टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आपको राइटिंग स्किल्स के इम्प्रूव करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस होती है आपकी उसको करने के लिए। राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ शेयरिंग अवर थाट्स एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड व्यूज़ टू अदर्स। जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू हम आइडियाज़ और व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह राइटिंग से भी करते हैं। सम पीपल हैव द इनेट टैलेंट टू पुट देयर थाट्स इन टू वर्ल्ड। कहते कई पर्सन्स के पास ये टैलेंट होता है राइटिंग का, वो अपने इमोशंस को, अपने थाट्स को कॉपी पे उतारते हैं। जैसे जो बुक राइटर होते हैं वो अपने बारे में या किसी और के बारे में वो कविता जैसे पोइम्स लिखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पेपर पे लिखते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। तो थोड़ी बहुत ये एग्जाम्पल्स है, इसको आप पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है। कहते हैं इसमें क्या है, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपकी ग्रामर पंक्चुएशन क्या होते हैं, जैसे कि आपने फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया है ना, एंड स्पेलिंग्स इज द की टू इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के लिए थिंग्स आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है, ग्रामर आप सही यूज़ करो, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, उसमें आप ग्रामर के ही कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। वैसे तो ये इंग्लिश का टॉपिक होता है, इंग्लिश में आपको ये कंप्लीट करवाया जाता है विद डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, बट इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में हम करेंगे फ्रेजेस क्या होती हैं, क्लॉज क्या होती हैं और सेंटेंस क्या होती है। ये थ्री मेन स्ट्रक्चर हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को, हमारी ग्रामर को इम्प्रूव करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा फ्रेज़ क्या है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक्टिंग एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, पर उसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और कभी भी फ्रेज को अकेले नहीं लगाया जाता, इसको किसी सेंटेंस के साथ ही लगाया जाता है। पर ये थोड़ी सी छोटी हो सकती है या क्वाइट लॉन्ग होती है, जैसे कि एट द डोर, ऑन द लेफ्ट, विद अ काइंड फेस, आफ्टर डिनर। लगाया कैसी है देखो, द हाउस ऑन द लेफ्ट इज हॉन्टेड। फ्रेज कैन नॉट बी यूज अलोन, इसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लॉज क्या होती है बेटा, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होती है, पर उसमें क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अ क्लॉज कैन समटाइम्स एक्ट एज अ सेंटेंस, सेंटेंस की तरह होती है। क्लॉज में देखो टू थिंग्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर मेन क्लॉज कह दो इंडिपेंडेंट को और इंडिपेंडेंट को कह दो सबॉर्डिनेट क्लॉज। हम यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं, कैंटलर वॉश द कार इवन दो ही डिडेंट वॉन्ट टू। मेन क्लॉज में क्या हो गया, यहाँ तक कॉमे तक जो चीज़ लगाई हुई है, कैंटलर वॉन्ट कार द कार सॉरी, एंड देन इवन दो, ये क्या हो गया आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज। इसको तो आप अकेले यूज़ कर सकते हो मेन क्लॉज को, पर सबॉर्डिनेट क्लॉज को मेन के साथ ही यूज़ करना पड़ता है मीनिंगफुल वे में अगर उसको दिखाना है आपको। तो यहाँ पे कुछ और मीनिंग्स भी है, अलग अलग से एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है सेंटेंस। हमने फ्रेज पढ़ लिया, क्लॉज पढ़ लिया, अब आता है सेंटेंस। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, जिसमें कंप्लीट थॉट्स को आप एक सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट करते हो। प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। इसमें सारी कंप्लीट डिटेल दी गई है प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, तो ये क्या एक सेंटेंस बन गया। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, जंप्ड इनटू सी, पर ये फुल कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, हमें क्या पता जंप्ड इनटू अ सी, कौन जंप करा सी में, किस तरह से है, तो ये कंप्लीट नहीं है, मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रही इसकी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए ताकि सामने वाले पर्सन को समझ आए।
सेंटेंस के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है? सेंटेंस ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेटरी साइन से? वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का डाटा कन्वे कर रहे हो। जैसे कि द पिज़्ज़ा स्मेल्स डिलीशियस, ये फुल स्टॉप के साथ आ गया। व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क के साथ आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये हम अपनी फीलिंग को बता रहे हैं तो ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ आ गया। सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस के टाइप, बेसिस के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी होती है? डेक्लरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले आता है डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव में क्या होता है, जिसमें जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आप कन्वे करते हो और उसको फुल स्टॉप के साथ आप उसको एंड करते हो, जैसे माई कैट इज़ ब्लैक, आई लाइक क्लाइंबिंग। इंटेरोगेटिव, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से क्वेश्चन। इंपेरेटिव, जिसमें आप किसी को कमांड देते हो, रिक्वेस्ट या एडवाइस या ऑर्डर देते हो, वो क्या होता है, होता है उसमें एंड फुल स्टॉप से होता है या एक्सक्लेमेशन साइन से, वो होता है इंपेरेटिव। जैसे कि शट द डोर, पास मी द डिक्शनरी प्लीज, रिक्वेस्ट की, शट द डोर, कमांड दी हमने, है ना, इस तरह से कमांड या ऑर्डर, ये कहते हैं इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, हमने अपनी फीलिंग बताई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ फैंटास्टिक, तो यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ सेंटेंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल क्या होते हैं, जिसमें ओनली वन क्लॉज यूज होती है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज होती है, ही एट एन एप्पल, ही किक्ड द बॉल। कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें टू मेन क्लॉजेज यूज होती हैं, उसमें एंड और या फोर, जो भी कंजक्शन यूज करके हम क्लॉजेज को अलग अलग करते हैं, जैसे आई कॉल हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई, आई किक्ड द बॉल एंड इट हिट द टॉम, मतलब बट और एंड लगा हुआ है, इससे दोनों क्लॉजेज अलग अलग हो गई, तो ये क्या होते हैं, कंपाउंड, दो क्लॉजेस से मिलके बने हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें वन मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सबॉर्डिनेट क्लॉज, दोनों होती हैं, मेन और सबॉर्डिनेट। पहले जो ऊपर दो वाले थे उनमें दोनों मेन होती थी, इसमें मेन और सबॉर्डिनेट दोनों होती हैं और दोनों को जोड़ते हैं ऑल्दो, बिकॉज और सिंस के साथ, जो भी आप लगाना चाहते हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन होते हैं, जिसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसमें मेन और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो ज़्यादा यूज होती हैं, वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि देखो, टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम एंड आई अपोलोजाइज इमीजिएटली, बिकॉज के साथ भी सेंटेंस जुड़ा और एंड के साथ भी जुड़ा, तो तीन चार सेंटेंसेज यूज करते हैं हम कंजक्शंस को लगा के, तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में पार्ट्स भी होते हैं, पहले हमने टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहले होता है जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं, जिसके बारे में बात की गई है, रोहित इज वेरी हैप्पी, शी इज राइटिंग, तो रोहित और शी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। वो क्या काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, रमन इज राइटिंग अ पोइम, समिता इज लाफिंग। तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे वो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं एंड देन वो राइटिंग अ पोइम, पोइम को राइट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, भी किसके बारे में बात हो रही है, मतलब क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज ईटिंग एन एप्पल, को किस चीज को खा रहा है, एप्पल को, ईटिंग तो उसका प्रेडिकेट हो गया, तो खा किसको रहा है, एप्पल को। वरुण इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो किसको गा रहा है, सॉन्ग को, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसको पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है, जैसे हिंदी में आप कहते हो संज्ञा, एक प्लेस, थिंग, एनिमल या पर्सन के नेम को हम कह देते हैं नाउन, जैसे जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी, तो जयपुर इसमें क्या हो गया, नाउन। नाउन के भी आगे टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, जिसमें प्रॉपर किसी का नेम दिया जाता है या प्लेस का नेम या थिंग या पर्सन का नेम। कॉमन नाउन, जो नेम कॉमनली सबके लिए यूज होता है, जैसे बुक, पॉइंट, क्लास, टीम, समथिंग, जो भी है। कॉन्क्रीट नाउन, द नाउन्स विच वी कैन सी, फील और टच, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक कुतुब मीनार, बियर, फ्लावर एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फीलिंग होती है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जैसे लव, हेट, जेलस, काइंडनेस। काउंटेबल, जो काउंट होते हैं, अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं हो सकते, जैसे वाटर। कलेक्टिव नाउन, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन्स, जो एक ग्रुप को रेफर करता है, जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, टीम, क्लास, ये क्या है, ग्रुप को बताते हैं, ग्रुप का नेम होता है जैसे उसको। प्रोनाउंस में क्या आता है, वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं, जैसे हिंदी में आप कहते हो सर्वनाम, इंग्लिश में आएंगे ही, शी, दे, इट, वी, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस।
एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की आपको क्वालिटी बताती हैं, विशेषण जिसको कहते हो आप हिंदी में, विशेषता बताती हैं। फनी कार्टून, कार्टून किस तरह के हैं, फनी, तो उसकी विशेषता बताई है उसने एडजेक्टिव। फाइव कुकीज, कितनी कुकीज, फाइव। वर्ब, वर्ब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीच का, जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं वर्ब, जैसे कि डूइंग वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है, बीइंग क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैविंग उसके पास क्या चीज़ है। दिस इज अ पीसफुल प्लेस, जगह बताई उन्होंने ये, दिस इज अ पीसफुल प्लेस। वर्ब इसमें क्या होगी, इज। जमाल हैज ओनली वन पेयर ऑफ बूट्स, हैज उसके पास है ये चीज़। वी आर बेकिंग सम बिस्किट्स टूडे, तो ये सारी क्या होगी, इज हैज वगैरह होगी हमारे पास वर्ब, जो सेंटेंसेस को कंबाइन करती हैं, जोड़ती हैं। एडवर्ब क्या होता है बेटा, एडवर्ब गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, जो हमने वर्ब यूज़ की है उसके एक्शन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें बताया जाता है व्हेन हाउ और वेयर, कहाँ पे कोई चीज़ हुई है, कब और कैसे हुई है। एडवर्ब भी हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर जिसमें एक्शन कैसे डन हुआ है, क्विकली सॉफ्टली स्लोली जैसा भी है। टाइम, किस टाइम पे हुआ है, टुडे येस्टरडे नाउ एटसेट्रा। कहाँ पे हुआ है, प्लेस इनसाइड अप देयर हेयर एटसेट्रा। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस लेवल का हुआ है, एक्सट्रीमली हाईली क्वाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली हार्डली, इस तरह से। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, रिलेशनशिप बताती हैं जो नाउन प्रोनाउन का किसी और नाउन प्रोनाउन के साथ, जैसे कि इन, ऑन, ओवर, आउटसाइड, आफ्टर, बिहाइंड, विद, अक्रॉस, ये सारी क्या होती हैं, प्रेपोजिशंस। कंजक्शंस जो जो वर्ड्स को, फ्रेजिस को और क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करती हैं, जैसे कि बट एंड बट। इंटरजेक्शन जो फीलिंग्स को, सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि ओ, अलास, हुरा, ये क्या है, आपको इमोशंस हैं, कोई दुख वाली है, कोई खुशी वाली है, ये क्या होती है, इंटरजेक्शंस। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई नाउन्स, नाउन के साथ लगने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको बोला जाता है आर्टिकल्स, जैसे कि अकार, अ पेन, एन एप्पल, द सन, द अर्थ। दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में द आता है। उसके रूल्स कुछ पढ़ लेना आप, इसमें क्या होते हैं, आपने इंग्लिश में वैसे किए होते हैं फिर भी आप इसको बड़ी डिटेल में पढ़ लेना। ए और एन नॉन स्पेसिफिक के लिए होता है, द स्पेसिफिक के लिए होता है, जैसे द ताजमहल, इसमें अ पेन आ जाता है, एन ऑरेंज आ जाता है, एन वॉवल्स के साथ भी लगता है, तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना है इसके क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होती है अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। जैसे एग्जांपल दी गई, जैसे बर्गर बनता है तो बर्गर में लेयर्स होती हैं बनाने के लिए, उसी तरह पैराग्राफ को राइट करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, सेंटेंसेस का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आता है, फिर आपके पास थ्री सपोर्टिंग सेंटेंस आते हैं जो उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड एंड में आपके पास आता है द कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में क्या आता है बेटा, द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ जो आपको देता है टॉपिक सेंटेंस, जिसको आप हुक सेंटेंस कहते हो, जिसके लिए आप पैराग्राफ राइट कर रहे हो वो टॉपिक सेंटेंस में कवर करोगे आप, जिसमें मेन आइडिया बताया गया। सपोर्टिंग सेंटेंस में टू थ्री जितने भी आप ऐड करना चाहते हो, जिसमें आप क्या देते हो, उस टॉपिक की डिटेल देते हो, फैक्ट्स देते हो और एग्जाम्पल्स देते हो। कंक्लूडिंग में क्या करते हो, उसी मेन आइडिया को आप दोबारा से एक्सप्लेन करते हो, पर उसके लिए जो वर्ड्स हैं वो कोई और यूज़ करते हो, ताकि सिमिलैरिटी ना हो जाए ऊपर वाले और नीचे वाले में, तो ये क्या होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको, यूनिटी, जो आपका मेन टॉपिक सेंटेंस है पैराग्राफ उसी से स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसके सबॉर्डिनेट सेंटेंस आने चाहिए, फिर उसका कंक्लूडिंग आना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सब चीज़ों को इकट्ठा रखना चाहिए आपको। ऑर्डर, एक ऑर्डर में डालना है उसको, सपोर्टिंग सेंटेंस कब आएगा, टॉपिक कब आएगा और कंक्लूडिंग कब आएगा। द गुड पैराग्राफ जो है ऑलवेज हैव अ डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके सीक्वेंस में लिखिए ताकि रीडर उसको अच्छे से समझ सके, उसको कन्फ्यूजन ना हो। कोहेरेंस में क्या होता है, आपस में रिलेशन होना चाहिए, जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हो एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड हो ईच अदर, और जो वर्क जो भी आप लिख रहे हो सेंटेंसेस को, बेस्ट वे है उसको करने के लिए, ताकि उसका लिंक है जो रिलेशन बनता हो सारे सेंटेंसेस का। कंप्लीटनेस, जो भी आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हो वो क्लियर हो और मेन आइडिया और पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा ना हो टॉपिक कोई और आपने सेंटेंस कोई और लिख दिया, तो ये क्या होता है, कंप्लीटनेस। इसके देखो फाइव स्टेप्स भी दिए गए हैं, सबसे पहले आप आइडिया डिसाइड करो किसके बारे में लिखना है, फिर उस आइडिया को एक्सप्लेन करो, फिर उसकी एग्जाम्पल दो और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो, देन टाई अप द लूज एंड्स एंड कंक्लूड, उसको एंड कर दो, एंड लुक ओवर एंड प्रूफ रीड, और एंड में आपको उस चीज़ को रीड करना जरूरी है जो आपने लिखा है, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको निकाल सको।
लास्ट में बेटा आपके पास आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग। राइटिंग करने के लिए आपको किस तरह की चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है, द राइटिंग इज इफेक्टिव राइटिंग इज रीड एज मच एज पॉसिबल। जो आपने लिखा है उसको अच्छे से पढ़िए, पंचुएशंस लगाइए जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप एटसेट्रा। डू नॉट यूज़ टू मैनी क्लॉजेस, ज़्यादा क्लॉजेस को यूज़ मत कीजिए। ग्रामर और स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, सेंटेंसेस को रिपीट मत कीजिए, जो भी काम लिखा है उसको केयरफुली रीड करिए। सिंपल और प्रिसाइज सेंटेंस बनाइए, डिफिकल्ट सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोफिस ध्यान से लगाइए, जैसे इट्स लगाना होता है आपने, है ना, ग्रामेटिकल एरर ना आए आपकी। अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज, ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज़ करने को स्किप करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आती। एंड श्योर द सिंगल नाउन हैव सिंगल वर्ब, इस तरह से नाउन्स और वर्ब्स का ध्यान रखना। एंड प्रोनाउन्स ऑल्सो, आपको प्रोनाउन्स केयरफुली लगाने चाहिए। तो ये था बेटा आपका 5th चैप्टर, बेसिक राइटिंग स्किल्स। थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, मैम ने आज करवा दिया, पर ये टॉपिक बहुत ईजी था इसीलिए मैंने आज कवर किया, क्योंकि आपने इंग्लिश में इसको पढ़ा हुआ है। तो ये समरी है, और नेक्स्ट सॉल्व एक्सरसाइज है जो आप घर पे अपने आप करते हो, इसको करा करो। इसमें से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको भी पढ़ना है आपने, ये लिखने नहीं होते, ये रिवाइज करो बस, पढ़ने हैं यहाँ से। जो आपका नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ आता है, ये वाला टेस्ट योर सेल्फ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, और इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर मैं आपको PDF में इसके आंसर दे दूंगी, जिसको आपको फेयर नोटबुक पे नोट करना है। आई होप सारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे से उस चीज़ का सोल्यूशन आप ले सकते हो। और ये थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा वर्क लगता है, तो बेटा ऐसा नहीं होता एक ही दिन में आपको कवर अप करना है, ये आपके पास 1 वीक होता है, 1 वीक के बाद दूसरी वीडियो आती है, तो आप अपना टाइमली 2-3 करके अपने जो क्वेश्चन है उसको कम्प्लीट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।